भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा समुद्र में किस तरह का है हम एक बहुत प्राचीन सी फेयरिंग सिविलाइजेशन है लेकिन क्या हम अपनी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री भूल गए हैं देखिए हम एक मैरिटाइम नेशन है हमारी ज्योग्राफी इस तरफ है कि हमारे तीनों साइड में ओशंस हैं जब बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन अरेबियन सी तो हिस्टोरिकली हम इसी पे डिपेंड करके आए हैं और अब पिछली आ, कई आ, वर्षों के पीछे आप देखेंगे तो आ, जो हमारे जो मौर्य एम्पायर फिर गुप्ता एम्पायर फिर चोला एम्पायर ये सब हाईलाइट करता है कि कॉमर्स कल्चर कम्युनिकेशन ये तीनों जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ये सब हमारे प्रॉस्पेरिटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है करता आया, और सबसे uh, uh, महत्वपूर्ण टाइम था ये चोला एम्पायर के टाइम पे, जब हम बोलते हैं एक मैरिटाइम वर्चुअल साइकिल ताकि नेवल पावर काफ़ी स्ट्रांग था उस समय और हमारा जो मैरिटाइम ट्रेड उस समय काफ़ी प्रोग्रेस भी किया मतलब साउथ ईस्ट एशिया इन जगहों में हमारा आ, ट्रेड भी काफ़ी बढ़ा था और आ, इसको बोलते हैं मैरिटाइम वर्चुअल साइकिल तो आजकल हम देखते हैं कि जितने आ, हमारे जो इम्पोर्टेंट पावर्स हैं वो सब मैरिटाइम नेशंस हैं चाहे यूएस को देखें या फ्रांस को देखें या आजकल चाइना को देखें या यूके को देखें तो ये मैरिटाइम वर्चुअल साइकिल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो मतलब नेवल पावर और ट्रेड तो जैसे जैसे हमारी देश की तरक्की हो जाएगी तो हम हमारी ट्रेड बढ़ती जाएगी अभी हमारा करीब 90 परसेंट ट्रेड बाय वॉल्यूम जो है वो सी रूट से ही होता है तो जैसे हमारा इकॉनमी बढ़ता जाएगा हम अभी फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है आशा है कुछ साल में हम सेकेंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट बन जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारा जितना ट्रेड है वो और बढ़ता जाएगा तो मैरिटाइम ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन बाय सी है वो सबसे एफिशिएंट है इसका मतलब है जैसे हम सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी से रेल्स रोड uh, से हम 250 फिफ्टी ले जा सकते हैं रेल से 2,500 केजीस ले जा सकते हैं और सी से हम 25,000 केजीस ले जा सकते हैं उसी एनर्जी से तो इसका ये इंपॉर्टेंट चीज याद होना चाहिए कि सी रूट से ट्रांसपोर्ट करना सबसे एफिशिएंट है तो क्या ये माना जाए और क्या ये देश मान रहा है कि जिसके पास जितनी स्ट्रॉन्ग नेवी होगी उतना उसका मैरिटाइम ट्रेड स्ट्रांग होगा और उतना उसका इन्फ्लुएंस उस एरिया में बढ़ेगा ये एक बच्चों साइकिल है तो हमेशा ही डिबेट होता है कि ट्रेड फॉलोज फ्लैग या फ्लैग फॉलोज ट्रेड ये काफ़ी चर्चा होती रहती है लेकिन आ, ये हमारे जो आ, जो, आ, जो आ, फेमस स्ट्रेटजिस्ट एडमिरल महान साहब हैं उन्होंने जो आ, आ, जो थीसिस लिखा था उसमें लिखा है कि द रिक्वायरमेंट फॉर ए नेवी राइसिस विद द नीड फॉर पीसफुल शिपिंग एंड डिसअपियर्स विद इट इसका मतलब जब आपके पास कोई ट्रेड नहीं है कोई मर्चेंटशिप नहीं है तो फिर नेवी की क्या जरूरत है तो ये उस समय उनका जो इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री जो उन्होंने लिखा है उसमें इसकी चर्चा भी हुई है तो अगर वो फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना है उस फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के सपने को साकार करने में नौसेना की क्या भूमिका रहेगी ये जब मैं टेक ओवर किया था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री से आदेश लेने के लिए गया था तो मैंने उनको बताया कि नेवी पूरी तरह से आपके विशन सपोर्ट करेंगे कि हम फाइव ट्रिलियन डॉलर अकॉनॉमी बनने में जितना हमारा आ, 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 हो सकता है वो हम पूरी तरह से हम सपोर्ट करेंगे तो उन्होंने एक यही बोला कि अगर हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने डिसाइड किया कि आपके जितने भी परचेसेस जितने भी हथियार सब देश में बने तो फाइव ट्रिलियन डॉलर अकानमी तो ऐसे ही बन जाएगा इधर देश में तो ये एक आत्मनिर्भर भारत का उनका जो विजन है आ, उसी से आ, हमारा जो फाइव ट्रिलियन की तरफ हमारा कंट्रीब्यूशन देगा महत्वपूर्ण बात सर दो में हम आजादी के सौ वर्ष मनाएंगे दो तक आपका नौसेना में आत्मनिर्भर भारत का सपना कितना आगे बढ़ेगा आपके वेपन सिस्टम्स प्लेटफॉर्म्स शिप्स सबमरीन्स को लेकर मैंने हमारे टॉप लीडरशिप को यह वादा किया है कि 2047 जो देखते हैं कि हमारा देश एक डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा उस समय उस समय से उस समय तक कम से कम हमारी नौसेना फुल्ली आत्मनिर्भर हो जाएगा फुली फुल्ली आत्मनिर्भर तो हमारी कोशिश इस इस तरफ है और आ, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि आ, ये हो जाएगा हमारे शिप्स सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट अनमैन सिस्टम्स नेटवर्क्स, स्विचेस सॉफ्टवेयर सब देश में बनेंगे ये एक्चुअली नेवी तो इस आ, इस रास्ते पे काफ़ी पहले हमारा पहला शिप एक छोटा सा पेट्रोल बोट 1961-62 में बना था एन नज अजय और तब से हम आ, एक से बड़े एक शिप्स बनाते गए तो उसके बाद हमने लैंडिंग क्राफ्ट बनाया लैंडिंग शिप बनाया फिर कॉर्बेट बनाया लैंडर क्लास फ्रिगेट्स बनाया फिर गोदावरी क्लास आ, फ्रिगेट्स बनाया फिर डिस्ट्रॉयर डेली क्लास डिस्ट्रॉयर बनाया अभी क्लास डिस्ट्रॉयर्स और टैंकर बनाया और आ, लास्ट में अभी एयरक्राफ्ट भी बनाया तो आ, काफी क्षमता हुई हमारे देश में और इसको आगे बढ़ाना है यह बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं कि हंड्रेड परसेंट मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के तहत आप बढ़ रहे हैं आप ही ने उसका तीन क्लासिफिकेशन दिया है कि फ्लोट फाइट मूव uh, आप जिस तरह से उसको uh, आत्मनिर्भर आज की डेट में अगर बात करें एक-एक एस्पेक्ट में आप कितना आत्मनिर्भर हैं आपके केआरएज क्या हैं जब हम uh, एक कंबैट प्लेटफॉर्म को देखते हैं उसमें तीन कंपोनेंट्स हैं एक फ्लोट कंपोनेंट है दूसरा मूव कंपोनेंट है और तीसरा फाइट कंपोनेंट है तो फ्लोट कंपोनेंट में क्या है उसका जो हर्ड स्ट्रक्चर और आ, बेसिक मटेरियल जो यूज़ होता है स्टील वगैरह इसमें हम 95 परसेंट अचीव आत्मनिर्भर हो गया है मतलब जो स्टील है वो स्टील देश में बनता है आ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आ, आ, मिदानी जो डीआरडीओ का लैब है और नेवी हम तीनों मिलके 2007-2008 तक ये स्टील बनाना स्टील का आ, 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 डेवलप किया और आई एन एस विक्रांत में जो स्टील यूज़ किया है वो हमारे देश में बना स्टील था और आगे जितने शिप्स सबमरीन सब बनेंगे देश में सब इसी स्टील से 249 फोर नाइन ब्राओ बोलते हैं या इसी स्टील से बनेगा तो 95 परसेंट तक आ, अचीव हो गया है दूसरा कंपोनेंट है मूव मूव कंपोनेंट में मेन चीज़ क्या होता है ये शाफ्टिंग प्रोपेलर्स और इंजेंस शाफ्टिंग प्रोपेलर वगैरह देश में बनता है कोई प्रॉब्लम नहीं है इंजन्स में uh, थोड़ा सा और टाइम uh, लगेगा तो इसलिए हम करीब 60 टू 65 परसेंट अचीव किया है इसमें अभी गैस टर्बाइन बनाना है देश में uh, गैस टर्बाइन जनरेटर्स बनाना है डीजल इंजिनस बनाना है uh, मेरे ख्याल से ये चार पाँच साल में बन जाएगा इसका इसका अभी कोशिश uh, चालू है फाइट तीसरा कॉम्पोनेंट है फाइट और ये फ़ाइट कॉम्पोनेंट में हम आ, करीब फिफ्टी परसेंट फिफ्टी फाइव परसेंट में है कई हथियार हम बना रहे हैं जैसे ब्रह्मोस और आ, कई रडार्स हम बना रहे हैं लेकिन इसमें और क्षमता डेवलप करनी है और आ, इसकी कोशिश है तो कॉन्फिडेंट है कि ये हो जाएगा क्योंकि हम डीआरडीओ के साथ और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके काफ़ी टेक्नोलॉजीज आइडेंटिफाई किया है और इसको आगे लेके जाना है उत्तरी अरब सागर से दक्षिण चीन सागर जो पूरा इंडियन ओशन रीजन या अब हिंद प्रशांत महासागर का क्षेत्र है इसकी सुरक्षा के लिए अभी आपके पास लगभग एक सौ तीस हंड्रेड एंड थर्टी युद्धपोत हैं। एक सौ पिछहत्तर से दो सौ अगर आपका सपना है या प्लान है कब तक आप इसे अचीव कर पाएंगे Uh, uh, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बीन काउंटिंग यानी ये सिर्फ नंबर से uh, हम लोग uh, ज़्यादा कन्विंस uh, uh, नहीं होना चाहिए क्योंकि आजकल uh, कई शिप्स हैं जिस जिसमें इतना कैपेबिलिटी है कि वो पहले फ्रिगेड uh, या डिस्ट्रॉयर से दो गुना तीन गुना कैपेबिलिटी है तो uh, ये नंबर से आप कोई पैरल ड्रॉ करना उतना सही नहीं है लेकिन मैं ये मानता हूँ कि क्वांटिटी हैज़ अ क्वालिटी ऑफ इट्स ओन मतलब मतलब एक एक जांच तीन जगह पे नहीं हो सकता है तो इसलिए थोड़ा नंबर्स भी तो चाहिए आ, हमारा प्लान है अभी हम हमारे पास 130 शिप्स और सबमरीस हैं और आ, प्लान के हिसाब से ट्वेंटी थर्टी फाइव या 2038 तक uh, 170 या 175 तक हम पहुंच जाएंगे और uh, हमारा जो मैरिटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान जो पंद्रह uh, साल का बनता है तो अभी रिसेंटली हमने एक डेवलप uh, uh, किया है प्लान फ्रॉम 2022 ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी तो इसके हिसाब से हम uh, करीब 170 या 175 के आसपास हो जाएंगे काफ़ी शिप्स का एओएन वगैरह भी आ, हुआ है अभी उसको कॉन्ट्रैक्ट स्टेज पे लेके जाना है जैसे आ, 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 केड़े ट्रेनिंग शेप, आ, आ, फ्लीट सपोर्ट शेप न्यू जनरेशन ओपीवीज, न्यू जनरेशन कॉर्बेट्स, न्यू जनरेशन मिसाइल वेसल्स ये सब अभी पाइपलाइन में है न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर उस पर हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं उसमें हमारा सपना मतलब नौसेना का Uh, सपना क्या है और वो साकार कैसे होगा uh, uh, हम अभी विक्रांत को अभी तो कमीशन किया मतलब सेकेंड ऑफ सेप्टेम्बर को कमीशन किया है और uh, इसके कमीशनिंग के साथ साथ uh, हम वो देशों में uh, जो चुने हुए देशों में एक है जो जिसके पास uh, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का कैपेबिलिटी है ये कैपेबिलिटी अभी कुचिन शिपयार्ड ने डेवलप किया है उसके साथ इतने सारे एम एस एम इतने सारे इनोवेटर्स बिजनेस ये सब जुड़े हुए हैं तो ये जो एक्सपर्टीज हमने डेवलप किया है इसको खोना नहीं चाहते हैं और इस पर बिल्ड करना चाहिए तो इसलिए आ, पहले हमारे हमारा सोच था कि एक आई ए सी टू मतलब एक एडवांस्ड और, और भी बड़ा एयरक्राफ्ट करियर बनाने का तो हम अभी थोड़ा सा डिस्कशन में है कि आ, क्यों ना एक आई एस सी वन का ही एक रिपीट ऑर्डर विथ मोर मॉडर्न और मोर फ्यूचरिस्टिक कैपेबिलिटीज के साथ एक ऐसा एक जांच का आ, केस प्रोसेस करें आ, ताकि वो जल्दी बन सकता है एक्सपर्टीज भी है और एक्सपर्टीज भी नहीं हम खोएंगे तो आ, ये हमारा सोच है और इसका अभी हमने गवर्नमेंट के पास लेके गया नहीं है ये आ, हमारा आपस में नेवी में डिस्कशन हो रहा है तो अगर हम फाइनलिस्ट करेंगे इस आ, कुछ महीने में फिर उसके पास आ, उसके बाद हम उसका, उसका प्रोसेस करेंगे क्योंकि अगर हमको एक पावरफुल मैराइम फोर्स इस पूरे क्षेत्र में बनना है आपकी दृष्टि में हमें कितने आ, जहाजों की आवश्यकता होगी और किस तरह के आ, क्या जो एक डिबेट चलती है कि हमको एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए कि हमको सबमरीन चाहिए हमको सी कंट्रोल करना है कि सी डिनाइल करना है क्या ये डिबेट अभी भी चल रही है या ये डिबेट अब बेमानी है ये डिबेट तो चलता ही रहेगा कभी नो you know, ये डिबेट अभी शुरू नहीं हुआ और अभी खत्म भी नहीं होगा ये बहुत पहले कई सालों से कई सेंचुरी से चल रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आ, हमारी नौसेना एक अभी एक बैलेंस्ड फोर्स है और हम ये भी चाहते हैं कि आगे भी ये बैलेंस फोर्स रहे सो सी कंट्रोल के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए और शिप्स चाहिए सब चाहिए सी डिनाइल के लिए सबमरीन चाहिए सिर्फ आपके पास सबमरीन है तो आप सिर्फ सी डिनाइल ही कर सकते हो आपको सी uh, कंट्रोल करना है तो एयरक्राफ्ट कैरियर सबर शिप्स और सबमरीन सब चाहिए सो so, uh, हमारे प्लान में एक बैलेंस्ड नेवी होना चाहिए जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर भी होगा सबमरीन्स न्यूक्लियर सबमरीन्स होगा एयरक्राफ्ट होगा सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट होगा अनमैंड एयरक्राफ्ट होगा अनमैंड सरफेस वेसल्स होगा अनमैंड अंडर वाटर ऑटोनमस व्हीकल्स होगा तो इसके नंबर्स कितना होना चाहिए क्या कैपेबिलिटी होगा और हम कैसे लड़ेंगे ये इसका जो प्लानिंग है वो हम कर रहे हैं अनमैंड अंडर वाटर ये जो कॉन्सेप्ट है और ये जो आप लाना चाहते हैं क्या एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश बचपन में कहानी सुनी थी एक राक्षस था लेकिन राक्षस की जो जान थी वो तोते में बसती थी तो क्या लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जो परिस्थिति है उसका समाधान हिंद महासागर में है देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी कई फोरम में बताया है कि यह युद्ध का यहा नहीं है लेकिन एस फोर्सेस हमारा काम है तैयार रहना कि कभी भी कुछ सिचुएशन आ जाए तो तैयार रहने का है और नेवी का मोस्ट uh, इम्पॉर्टेंट काम है डिटरेंस तो हम कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं ताकि हम एडवर्सरी को डिटर करें कि वो सोचना नहीं चाहिए कि वो कुछ करेगा और सक्सेस हो जाएगा तो हमारा कैपेबिलिटी डेवलपमेंट फोर्स प्लानिंग डिप्लॉयमेंट्स ये सब इसलिए है कि हम पूरी इंडियन uh, रीजन में कई वेरी क्लोज वॉच रखते हैं uh, उधर Uh, जो शिप्स एयरक्राफ्ट या सबमरी ट्रांसिट करते हैं, उनका ट्रैक करते हैं और हम हमारे यूनिट्स जो है वो मिशन डिप्लॉयड रहते हैं तो uh, जब कोई रिक्वायरमेंट है तो हम रिस्पोंड करेंगे एज फर्स्ट रेस्पोंडर इन एनी क्राइसिस एट सी सो आवर फोकस ऑन दैट टू बी

हम लोग क्या ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे तो ज्यादा प्रोजेक्शन या कंट्रोल कर पाएंगे परिस्थिति को क्या यह मानना है आ, नौसेना का देखिए हमेशा आ, मैं मानता हूँ कि हर कमांडर या चीफ जो है वो सोचता है कि हमारे पास ऐसा रिसोर्सेज होना चाहिए ताकि जितने एनवीज हैं और जितने टाइप ऑफ वॉर्स हैं और जितने टाइप ऑफ सिचुएशनस हैं वो सब निपटने के लिए हमारे पास रिसोर्स होने चाहिए लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि रिसोर्स हमेशा लिमिटेड रहेगा और ज़्यादातर हमारे देश जो है वो एक एस्परेशन नेशन है तो दर आर रिक्वायरमेंट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह तो हमारी कोशिश ये है कि जितना हमारा जो बजट है उसको एकदम एफिशिएंटली यूज करें ताकि हर एक रुपया जो है उसको ठीक तरह से डिप्लॉय करें इट शुड ट्रांसलेट इनटू कैपेबिलिटी और फोकस रहेगा कि ऑर्डिनेंस ऑन टारगेट मतलब फाइनली वी शुड बी एबल टू हिट द एनिमी एंड हिट इन हार्ड व्हेन रिक्वायर्ड

मतलब जो एक्निम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन उसमें सबसे पहला वर्ड सिक्योरिटी है तो नौसेना का काम है हम कि ये सिक्योरिटी इंश्योर करना मैरिटाइम सिक्योरिटी और इसी आई ओ आर से इतने सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं कि आ, चाहे ऑयल हो या कंटेनर ट्रैफिक हो या नॉर्मल ट्रेड हो या बल्क कैरियर हो सब हमारे नेवरहुड से और इंडियन ओशन से ट्रेवर्स करती है तो हमारा काफी इंपॉर्टेंट रोल है एज द लार्जेस्ट रेसिडेंट नेवल पावर टू एंश्योर कि ये यहाँ पीसफुल रहेगा तभी सबका एक साथ डेवलपमेंट होगा हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी बोला था कि हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि इंडिया ग्रोस अलोंग विथ अदर्स नॉट सेपरेटली लेकिन थ्रेट्स भी बढ़ रहे हैं हम लोग तो रेजिडेंट नेवल पावर हैं नॉन रेजिडेंट नेवल पावर्स भी आने का प्रयास करते हैं नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स थ्रेट्स पायरेसी स्मगलिंग उस तरह के तरह भी uh, ships को हाईजैक करने की कोशिश उनसे दोनों तरह के थ्रेट से आप कैसे डील करेंगे और क्या आने वाले वर्षों में यह खतरा और बढ़ेगा यह खतरा बढ़ता ही रहेगा और आ, आ, इसको काउंटर करने के लिए ही कई नेवीज इंडियन ओशन रीज रीजन में प्रेजेंट है कम से कम 60 एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस ये इंडियन ओशन रीजन में हमेशा प्रेजेंट हैं और इवन यूनाइटेड स्टेट्स जो है इतनी बड़ी नेवी है उनके पास लेकिन दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू एड्रेस ऑल द चैलेंजेस हमारे पास अगर एक हज़ार शिप्स हो तब भी ये चैलेंजेस uh, uh, हम मीट uh, नहीं कर पाएंगे तो इसलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि हम साथ में कोऑपरेट करें uh, और हैव कलेक्टिव एफर्ट एट इंश्योरिंग मेरेटाइम सिक्योरिटी तो हम हमारे जो रीजन में जितने कंट्रीज uh, हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये सागर का जो डॉक्ट्रिन है उसको फॉलो करके आ, हमारा स्टाफ टॉक्स होता है हमारे शिप्स का विजिट होता है आ, ट्रेनिंग एक्सचेंजेस होता है एक्सचेंजेस इंट्रैक्शन होता है एट सी सो so, एक्रोनिम है टाइट्स टी आई डी ई एस दैट मीन्स टी इज़ फॉर ट्रस्ट तो हमारा ये जो इंट्रैक्शन से जो है हमारे रीजन में ट्रस्ट बन जाता है सेकेंड इज़ इंटरऑपरेबिलिटी आई मतलब हमारे नेवी वहाँ जाके उनके साथ काम करेगा वो अगर चाहिए तो हमारे पास आके काम करेगा तो एक साथ काम करने में आ, 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 से आ, आ, हमारा जो इंट्रैक्शन जो है वो अच्छा रहेगा तीसरा है डोमेन अवेयरनेस मतलब मेरी डोमेन अवेयरनेस और कौन कौन है कौन ऑपरेट कर रहा है यू नो ये सब पता चलेगा ई इज़ फॉर एंगेजमेंट्स मतलब स्टाफ uh, टॉक्स होता है या अदर uh, एंगेजमेंट्स होता है और एस इज सिक्योरिटी मतलब ये सब तो होगा तब मैरिटाइम सिक्योरिटी होगा मैरिटाइम सिक्योरिटी को क्या सबसे बड़ा खतरा uh, जो समझने का प्रयास करें तो 7500 किलोमीटर लंबा हमारा कोस्टलाइन है दो लाख वर्ग किलोमीटर का uh, हमारा uh, एरिया है उसके अलावा 25 लाख वर्ग किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन टेरिटोरियल वाटर भी है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है उस पर किस तरह का खतरा आप आने वाले वर्षों में देखते हैं देखिए हमारी जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो हमारे जो लैंड का करीब तीन गुना चार गुना बड़ा है तो हमारा जो वेस्टर्न नेवल कमांड ईस्टर्न कमांड इनका एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी काफ़ी बड़ा है और उधर कांस्टेंट सर्वेलेंस रखना पेट्रोल करना और वहाँ क्या क्या हो रहा है इसका पता करना इज़ नॉट इजी तो ये हमेशा इनका चैलेंज रहता है क्योंकि रिसोर्स हमेशा आ, टाइट रहते हैं लेकिन इनको एफिशिएंटली यूज़ करके एफेक्टिव पेट्रोलिंग एंड थ्रू कोऑपरेशन थ्रू इंट्रैक्शन लोकल नेवीज के साथ हम uh, कॉर्डिनेट um, uh, करते हैं क्योंकि जो थ्रेट्स है ये थ्रेट्स अनलाइक uh, जो हमारा जो लैंड या एयर डोमेन में है इट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट क्योंकि यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है और सॉवरेंटी uh, का भी हम एक बोलते हैं लैंड uh, या एयर में हमको यू नो इट इज़ वेरी क्लियर कि आप बॉर्डर क्रॉस करोगे तो इट इज अ वायलेशन ऑफ सोवरेंटी, लेकिन मैरिटाइम डोमेन में आप 12 माइल के अंदर भी आ सकते हैं और यू कैन डू अ इनसेंट पैसेज एंड इट इज नॉट अ वायलेशन ऑफ सोवरेंटी, तो देर इज इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट इज सोवरेनिटी इन इन दैट सेंस कि मैरिटाइम uh, डोमेन में थोड़ा सा uh, अलग है एज कंपेयर टू अदर लैंड और यू नो एयर और इसके कारण वी ऑल्सो सी दैट कि मैरिट डोमेन इज इज समथिंग विच के नॉट बी कंट्रोल्ड लाइक लैंड यू फेंस इट, यू कान्ट यू नो बिल्ड वॉल्स ये कुछ नहीं कर सकते हैं और वी ऑल्सो फाइंड दैट मैनी ऑफ दिस प्रॉब्लम्स वेदर इट इज पायरेसी, इलीगल फिशिंग ड्रग रनिंग आर्म्स माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन ये सब यू नो इट ट्रांस बॉर्डर आप नौसेना में देश के प्रति लगाव और बढ़े यह पता चले कि हम केवल अंग्रेजों के जमाने से नौसेना नहीं है उसमें बहुत परिवर्तन ला रहे हैं। एक तरह से एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है विद इन ऑर्गेनाइजेशन कि पहले वो सेंट जॉर्ज क्रॉस हटाया छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना का ध्वज लिया और क्या-क्या परिवर्तन आप कर रहे हैं, हो क्या रहे इंटरनली और इसका मकसद क्या है आपको आ, याद होगा का होगा हु, हु, कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये ऑन 15th अगस्त बोला था कि गुलामी मानसिकता से मुक्ति होना चाहिए तो हमारी पूरी कोशिश है इसकी तरफ इस डायरेक्शन की तरफ आ, तो हमने जो विक्रांत का जो कमीशनिंग हुआ था उसी उसी दिन हमने इंसाइन का भी नया इंसाइन अनवील किया था अभी हमारा क्रेस्ट अभी फोर्थ दिसंबर नेवी डे के दिन हमने नया प्रेसिडेंस कलर्स अनवील किया है प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ और नया क्रेस्ट अप्रूव अनवेल किया है और सिमिलरली हमने टीम फॉर्म करके हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या क्या प्रैक्टिस हैं जो पुराने टाइम के हैं जो अभी रिलेवेंट नहीं है क्योंकि नेवीज जो है इवॉल्व हुई है